हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ, यानी कि ओट्स एप्पल मफिन्स। फ्रेंड्स, इनको बनाना बहुत ही आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसको बनाने के लिए ना तो हम किसी तरीके का कोई फ्लावर यूज करेंगे, ना ही मैदा यूज करेंगे। हमें ना तो शुगर चाहिए, एग भी नहीं चाहिए और ना ही बटर। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप एक बार बना लीजिए, ब्रेकफास्ट में खाइए, शाम को खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होगा मिल्क पाउडर, जो कि 1/4 कप है। साथ ही चाहिए होगा रोल्ड ओट्स 1/4 कप। ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी ओट्स को मैंने पीस करके रखा हुआ है। तो एक कप हमें ओट्स फ्लावर चाहिए। साथ ही चाहिए हमें देसी खांड। आज हम चीनी से नहीं बनाने वाले, ये शुद्ध देसी खांड है जो कि सल्फर फ्री होती है। आज हम इसी को यूज करके इन मफिन्स को बनाएंगे। साथ ही डेकोरेशन के लिए मैंने लिए हैं आज चोको चिप्स। हमने लिया है यहाँ आज ऑलिव ऑयल, एक एप्पल। फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा यहाँ 1/4 कप दही, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और चाहिए होंगे कुछ मोल्ड्स इस तरीके के, सिलिकॉन के, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो मफिन्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, ओट्स एप्पल मफिन के लिए सबसे पहले हम अपने एप्पल को लेकर के उसे पील कर लेंगे, छील लेंगे, बढ़िया से वॉश कर लेंगे। इसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको मैं और छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक पेस्ट बनाना है। तो मैंने ये कट कर लिए हैं। अब इसे मिक्सी में डाल करके मैं इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूंगी। थोड़े थोड़े चंक्स भी छोड़ दीजिएगा, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए, कुछ चंक्स बाकी रह गए हैं, लेकिन ये अच्छे लगेंगे। अब हम फ्रेंड्स एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1/4 कप दही। दही आप फ्रेश लीजिएगा तो बहुत टेस्टी मफिन्स बनेंगे। अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ एप्पल का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारा ये एप्पल और दही का मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे हमारा ऑलिव ऑयल, ये लगभग 3 चम्मच के करीब है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो मैंने एक छन्नी इसके ऊपर रख दी है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ओट्स फ्लावर। साथ ही डाल देंगे हमारा मिल्क पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, आप जो मार्केट से ओट्स लाते हैं, बस उसी को मिक्सी में पीस लीजिएगा। अब हम अपना ओट्स का जो बैटर बना करके रखा है वो इसमें डालेंगे। तो डालने से पहले एक बार मिक्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें ये सिलिकॉन मोल्ड पूरे नहीं भरने हैं, 3/4 साइज तक ही भरने हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मफिन्स अच्छे से राइज होंगे, उन्हें अच्छे से स्पेस मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने इन्हें भर लिया है। अब हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से चोको चिप्स। अगर आपको चोको चिप्स नहीं यूज करने तो आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ओट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चोको चिप्स डाल दिए। अब इसे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन या फिर कढ़ाई में हम 20 मिनट्स तक बेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया हमारे मफिन्स फूल चुके हैं, हमारे मफिन्स बन चुके हैं। और इसी तरीके से मैंने बाकी के मफिन्स भी बना लिए हैं। तो जो मेजरमेंट मैंने बताया था उससे फ्रेंड्स मेरे 9 मफिन्स ये बन गए हैं। ये देखिए, कितने सॉफ्ट हैं, स्पॉन्जी हैं।
और इसमें ना तो हमने देखिए कोई मैदा यूज किया है ना ही कोई आटा यूज किया है, सिंपली ओट्स और एप्पल से हमारे ये मफिन्स बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही सॉफ्ट ये बन करके तैयार होते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई कह ही नहीं सकता कि ये ओट्स से बने हुए हैं। कितने सॉफ्ट हैं, कितने स्पॉन्जी हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस इजी सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग अपने ब्रेकफास्ट को हैवी करना पसंद नहीं करते, बहुत ही लाइट खाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से बच्चे ओट्स नहीं खाते, उनको आप इस तरीके से मफिन्स बना करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप ओट्स से रिलेटेड और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें बनाने की। तो फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइएगा। सो फ्रेंड्स गिव इट अ ट्राई, विल मीट सून, बाय बाय एंड एंजॉय।